जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब कौन सी टीम जीतने वाली है, कुछ ही घंटों का इंतजार है जहां पर हमें नया विजेता देखने को मिलेगा T20 वर्ल्ड कप का, जहां ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड दो ऐसी टीम है जो डिजर्विंग है क्योंकि अपने दम पर इस मुकाम पर खड़ी है। लेकिन दोनों ही टीमें दोस्तों दमदार हैं, लेकिन आंकड़ों में किसकी यहां पर कह सकते तूती बोलती है, कौन सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकता है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि बिना किसी देरी के सामने आपको वो आंकड़े रखने वाले हैं जिसको देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी रह सकता है। अगर पिछले आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में 14 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें 5 बार न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है जबकि 9 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। वहीं अगर दोनों के बीच अंतिम 5 T20 मैचों की बात करें तो 3 बार न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज करी जबकि 2 बार ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब रही। इस तरह हाल के मुकाबले का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के फेवर में जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट की, जो ICC के मुकाबले होते हैं उसमें अगर बात करें तो दोनों टीमें एक बार आमने सामने हुई है, उसमें न्यूजीलैंड की टीम जीती थी, वो भी चेस करते हुए नहीं बल्कि डिफेंड करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने जीत दर्ज करी थी। इस तरह T20 वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम मजबूत नजर आ रही है। हालांकि न्यूजीलैंड ने जो 5 मैच जीते हैं उसमें 4 बार पहले बैटिंग करते हुए जीत दर्ज करी जबकि 1 बार सेकंड बैटिंग करते हुए, यानी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इतनी दमदार है कि वो मैच निकाल ही लेती है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 9 बार में से 5 बार पहले बैटिंग करते हुए जीत दर्ज करी जबकि 4 बार दूसरी बार बैटिंग करते हुए जीत दर्ज करी। वैसे अगर दोनों टीमों के बीच वनडे मैचों की भी तुलना कर ही लें तो ऑस्ट्रेलिया की जीत का प्रतिशत बहुत ज्यादा, यानी कि अगर टोटल ओवरऑल आंकड़ों में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया नजर आ रही है, और अगर हाल ही के 4-5 मैच देखे जाए तो न्यूजीलैंड की टीम भारी पड़ती नजर आ रही है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो उसमें उन खिलाड़ियों के नाम भी सामने आएंगे जैसे शेन वॉटसन होगा, रिकी पॉन्टिंग होगा, ऐसे खिलाड़ियों के नाम भी सामने आएंगे। तो उनको अगर इग्नोर करते हुए हाल के फॉर्म की बात करें जिसमें स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर, एरन फिंच, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी रहे तो पिछले 5 मैचों में दोस्तों साफ नतीजा ये निकला है कि न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ते नजर आए हैं। लेकिन आज दुबई का मैदान है और अगर वनडे मैचों की तुलना आपको बताएं तो दोनों टीमों के बीच वनडे में 137 वनडे मैच हुए जिसमें 91 वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता जबकि 39 मैचों में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज करी। 7 मैचों में कोई फैसला नहीं हो सका। इसके अलावा टेस्ट मैचों की तुलना करें तो 60 बार दोनों टीमों की भिड़ंत हुई, इसमें 34 मैचों में ऑस्ट्रेलिया जीती जबकि 8 बार न्यूजीलैंड और बाकी ड्रॉ या कोई नतीजा नहीं। तो दोस्तों आंकड़ों में न्यूजीलैंड की टीम पिछले 5-6 मुकाबले में भारी पड़ गई है, T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में भारी पड़ गई है, और ओवरऑल में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम भारी पड़ गई है। लेकिन आपके सामने दोस्तों टीम है, आपके सामने आपने मैचेस देखे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है? भले इंडिया बाहर हो गई, पाकिस्तान बाहर हो गई, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज जैसी हमारी पसंदीदा टीमें बाहर हो चुकी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अपने खेल के दम पर यहाँ पहुंचे तो उनको सपोर्ट करना बनता है एज अ क्रिकेट फैंस। कमेंट्स नहीं करके बताइएगा दोस्तों कि कौन सी टीम आज पल्ला भारी नजर आ रहा है। इन आंकड़ों के बाद आपकी जो राय होगी दोस्तों यहाँ पर सराहा जाएगा उसको, और लाइक्स भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद दोस्तों।